कुमकुम भाग्य के सेट पर लगी आग, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ और सब बिल्कुल सुरक्षा के साथ अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन नुकसान हुआ है सेट का, और साथ ही साथ इस बात की चिंता भी बढ़ गई है कि अब शूटिंग होगी तो कहां, कैसे और कब शुरू होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यहां वहां भागते लोग, पुलिस कर्मचारी और टेंशन में दिख रहे सितारे। ये नजारा है कुमकुम भाग्य के सेट का, जहां शनिवार के दिन अचानक लग गई आग और हो गई अफरा तफरी। चाहे प्रज्ञा हो या फिर उसकी बेटियां, सब टेंशन भरे चेहरे के साथ इस सेट वाले घर से निकलकर अपने असली वाले घर के लिए निकल गए। हालांकि आग के कारण जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर हां, शूटिंग रोकनी पड़ी और कलाकारों को घर जाना पड़ा है। तो हम लोग को जैसे ही पता चला कि आग लग गई है, ऊपर पता चला यहाँ पे हमारे बहुत करीब आग लगी थी, तो हम सब जितने भी एक्टर्स वगैरह थे सब लोग सेट से भागे, वैनिटी से निकले और सारे वो ओपन ग्राउंड में आ गए, खड़े हो गए। और फिर हमारे कुछ प्रोडक्शन के लोगों ने बहुत मदद करी और सबने मिलके आई डोंट नो कैसे पानी का पाइप्स वगैरह अरेंज करी, यानी आग बुझाने की कोशिश करी जब तक फायर ब्रिगेड आई। फिर उसके बाद वो लोग भी आए और सबने आग बुझाई। मतलब आई एम ग्लैड किसी को कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है, एवरीवन इज़ ओके, एवरीवन इज़ ऑलराइट। अब सबको घर भेज दिया गया है, सो मैं भी निकल ही रहा हूँ। आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद यहां पहुंच गई और कुछ ही मिनटों में स्थिति काबू में आ गई, मगर सेट को नुकसान जरूर हुआ है। आज शाम को 4 बजे बालाजी स्टूडियो में आग लगी। ऐसे कॉल प्राप्त होने के बाद यहां फायर ब्रिगेड और पवई पुलिस आ गई थी। यहां बालाजी स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे जो एस्फाल्ट है वो आग लगने की वजह से वो मेल्ट हो गया था, उसकी वजह से एक आग इधर भीतर हो गई और इस जो फायर हो गई उसमें कोई किसी को इंजरी नहीं पहुंची है। थैंकफुली भगवान की दया से कोई सीन शुरू नहीं होने वाला था, वहाँ का काम ख़त्म हो गया था, तो जब वहाँ पे कोई भी नहीं था तो तब जाके वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। मुझे नहीं पता आग लगने की रीज़न क्या है, आई डोंट नो। सीरियल के सेट पर कभी कभी ऐसे हादसे होते रहते हैं, सभी कलाकार सुरक्षित हैं और यूनिट के मेंबर्स भी, इस बात से सबको बड़ी राहत मिली है। मगर हाँ, सवाल ये जरूर है कि दोबारा कुमकुम भाग्य की शूटिंग शुरू कब और कैसे होगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा से करीब 4 घंटे पूछताछ की, जिसमें आदित्य चोपड़ा ने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर से लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत के संदर्भ में यशराज को लेकर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आदित्य ने कहा कि सुशांत और यशराज के बीच किसी तरह का कोई विवाद या मतभेद नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य चोपड़ा ने कहा कि शेखर कपूर के आरोप गलत हैं। पानी फिल्म को लेकर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, पानी फिल्म नहीं बन पाई और सुशांत के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद खत्म हुआ था, बिना किसी विवाद के और बेहद अच्छे नोट पर खत्म हुआ था। पानी फिल्म नहीं बनने की वजह शेखर कपूर और मेरे बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और सुशांत इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे, इसलिए पानी फिल्म नहीं बनने से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे, ये पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि सुशांत ने पानी फिल्म के लिए कई बड़ी फिल्में छोड़ी, इस बारे में भी कोई जानकारी कभी सामने नहीं आई। फिल्म पानी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हम फिल्म बनाना नहीं चाहते थे, हमने फिल्म का काम शुरू किया था और करीब 5-6 करोड़ रुपए भी फिल्म पर खर्च किए गए थे, लेकिन शेखर कपूर इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहते थे
और हम फिल्म का ज्यादा बिजनेस भारत में करना चाहते थे। इस फिल्म में करीब 150 करोड़ रुपए लगने थे और शुरुआत में शेखर कपूर के साथ हुए मतभेद के बाद हम इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए ये फिल्म नहीं बन पाई। इस फिल्म के ना बनने से सुशांत निराश जरूर हुए होंगे, कोई भी कलाकार हो सकता है, लेकिन वो एक समझदार और सुलझे हुए एक्टर थे। इंडस्ट्री में ये चीजें होती हैं, ये सुशांत भी जानते थे। इसीलिए फिल्म ना बन पाने के कारण सुशांत डिप्रेशन में चले गए, ये जानकारी पूरी तरह से बेबुनियाद है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी हम एक दूसरे के संपर्क में थे और कई बार मिले भी। अगर हमारे बीच कोई विवाद होता तो वो कभी न कभी तो बाहर जरूर आता। आदित्य का कहना है कि जब साल 2012 में रामलीला साइन हुई थी तब सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट यशराज के साथ नहीं था। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को मार्च या अप्रैल 2012 के आसपास साइन किया, जबकि सुशांत का यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसके कुछ महीने बाद साइन हुआ था। तो यशराज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत फिल्म रामलीला नहीं कर पाए, ये कहना भी गलत है। आदित्य ने कहा कि बाजीराव मस्ताने के लिए संजय लीला भंसाली या उनकी टीम में से किसी ने भी कभी यशराज से इस फिल्म को लेकर संपर्क नहीं किया और ना ही कभी सुशांत ने हमसे कहा कि उन्हें ये फिल्म मिली है और उसमें वो काम करना चाहते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद सुशांत को MS धोनी फिल्म साइन करने दी। अगर हम MS धोनी जैसी बड़ी फिल्म साइन करने दे सकते हैं तो हम रामलीला और बाजीराव मस्तानी करने से सुशांत को कैसे रोक सकते थे। आदित्य चोपड़ा ने पुलिस को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में भी जानकारी दी। आदित्य ने रिया के फिल्म्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया। आदित्य चोपड़ा से पुलिस ने सुशांत के साथ हुए बिजनेस डील के बारे में भी जानकारी ली। आदित्य ने बताया कि यशराज ने सुशांत की पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए 30 लाख और दूसरी फिल्म ब्योमकेश बख्शी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। ABP न्यूज रिपोर्ट। कोरोना के कारण समय में बहुत बदलाव हो गया है, स्थितियां बदल गई हैं। जैसे कि पहले हम जब तुझसे है राबता सीरियल के सेट पर जाते थे और जब लंच टाइम पे पहुंचते थे तो वहां देखते थे कि सारे कलाकार मिल बैठ के खाते हैं, लेकिन अब सब अलग अलग। समय कितना बदल गया। करते थे वो जब सेट के सारे सितारे एक साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया करते थे, ये बात उन दिनों की हुआ करती थी। लेकिन आज लॉकडाउन के बाद माहौल एकदम अलग हो गया है। इस सितारे दूर दूर बैठते हैं, यहाँ तक कि एक साथ खाना भी नहीं खा सकते। The new normal of eating food, having lunch, and she's sitting there. And hi. Usually ऐसा होता नहीं था, हम सब साथ में बैठ के एक ही plate में, you know, एक ही spoon से, we just used to eat like a family पहले. अभी भी also eating like a family, but थोड़ा दूर। शहबान और रीम यानी कि कल्याणी मल्हार का कुछ ऐसा ही चल रहा है लंच इस सेट पर इन दिनों। अब शहबान रहते हैं घर में अपने भाई के साथ। सुबह सुबह उठकर खाना बनाना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन इस दिक्कत को दिक्कत नहीं होने देती है कल्याणी, क्योंकि वो अपने साथ साथ मल्हार जी के लिए भी खाना लेकर आती है। दोनों बातें करते करते अपना लंच खत्म करते हैं और देखिए कितनी सारी बातें भी कर रहे हैं। मैं रोज खाना नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि या तो मैं खाना बनाता हूँ या कामरान मेरा भाई खाना बनाता है, बट वी कैन नॉट कुक एवरी डे बिकॉज़ देयर नो मेड। तो रीम्स मॉम इज कुकिंग फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आई एम ईटिंग हर होम कुक फूड। शी गेट्स इट फॉर मी, वी शेयर इट एंड इन सेपरेट बोल्स एंड दिस टाइम वी हैव इट। सो दिस गोस टू हर एंड शी इज देयर एंड आई सिट एंड आई ईट। दिस वाज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू मिस द मोस्ट लंच ब्रेक, बिकॉज़ लंच ब्रेक वाज द टाइम जब सब एक साथ बैठ के बातें करते थे।
मस्ती करते थे, यू नो क्यूरियोसिटी होती थी कि कौन आज क्या खाने में लाया है। अब पहले का वक्त अलग था, पहले कोई ऐसा वायरस नहीं था जो हमें नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन आज कोरोना वायरस है जो हम सबको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इतनी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो भाई इस सावधानी में ही सुरक्षा है। वैसे जैसे खाने का ध्यान मैं रखती हूँ, लेकिन जो विटामिन और ये सब चीज है वो ख्याल ये मेरा रखते है, क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। सो वो मुझे विटामिन सी की दवाई देते हैं, और कौन सी बताना, जिंक देते हैं। Then he forces me to have this kadha, which has, I don't know what all, it has Ayurvedic cheese, garlic, black pepper, pata nahi kya kya. ABP News Report. ये है ABP News, आपको रखे आगे।